नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि हमारे गाड़ी में एक फैन नहीं होता, हमारे गाड़ी में दो दो फैन होते हैं। आपको मालूम है, दो दो फैन होते हैं। एक हमारा सेपरेट रेडिएटर के लिए होता है और एक फैन हमारा होता है कंडेंसर कॉइल के लिए। आपको वो जनरली ऐसे नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये हमारा कंडेंसर कॉइल है। अब इसके बाद देखते हैं अंदर। इस मैंने बहुत ढूंढा पर मेरे को मिला नहीं। अब आप देखो, ये देखो आप, ये कंडेंसर का फैन है। ये देखिए, ये देखिए, आपको अब समझ में आ गया होगा। ये कंडेंसर फैन आपका जनरली तब एक्टिवेट होता है जब आप एसी चलाते हैं। और उसका बहुत नॉर्मल सा उदाहरण मैं बताऊं, जब गर्मियों में आप गाड़ी का एसी ऑन करते हैं ना, तो आपको अजीब टाइप के आगे से हूं की आवाज़ आती है, और जब आप उसको एसी को बंद करते हैं तो कुछ देर तक आएगी, फिर बंद हो जाएगी। यही कारण है कि जब कभी कभी हम गाड़ी खड़ी भी करते हैं ना, तो कुछ देर हो जाने के बाद भी ये फैन चलता रहता है। एक्चुअल में ये इश्यू से रिलेटेड रहता है। जब आपका एसी चलेगा ना, अगर उसे ऐसा मालूम चला कि नहीं ये हीटिंग इसमें ज़्यादा है, तो वो इसको चलने देता है। इसलिए मैकेनिज्म होता है कि जैसा हमारा जो मेन रेडिएटर का फैन है उसमें फेंस होते हैं बड़े, और वो इंजन के साथ घूमता है, तो उसकी आवाज़ जब आप सुनोगे ना, तो आपको लगेगा इंजन से मैच हो रहा है। वहीं पे जब आप कंडेंसर फैन की आवाज़ सुनोगे तो वो बैटरी से जुड़ा होता है, और बैटरी से जुड़ी ब्लेड्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, और ये हायर आरपीएम पे काम करते हैं। रेडिएटर का फैन होता है वो लो आरपीएम पे काम करता है, जो हमारा कंडेंसर का होता है वो हमारा हाई आरपीएम पे काम करता है, इसलिए आपको बहुत तेज़ से आवाज़ सुनाई देगी। तो चलिए हम इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं। हमारे में क्या है कि डायरेक्ट करवा दिया था। अब ये भगवान जाने, मैं उस टाइम पे था नहीं, अब इसको मेरे को सुधारना है, ये खतरनाक होता है। इस चक्कर में कम से कम आपको दिखाने का तो मौका मिल गया। तो वो जो हमारी बटन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो डायरेक्ट है। जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे वैसे ही हमारा एसी स्टार्ट हो जाता है जब उस बटन को ऑन करते हैं। ये रही बटन, और ये हमने इग्निशन को ऑन किया। अभी देखो आप, इसको मैंने ऑन किया, सुनो आप इसकी आवाज़, सुनो आप, फर्क भी दिखा दूं। देखो आप, ये नहीं चल रहा, वो चल रहा। अभी हम बंद करते हैं। देखो आप, एक भी आवाज नहीं यहाँ पे। क्योंकि मैं ये शुरुआत में सुनाई देती है कि नहीं देती पता नहीं, और चूंकि मैं अब गाड़ी में ध्यान देने लगा हूँ इसलिए मेरे को पता चल गया, नहीं तो जनरली मेरे को पता नहीं चलता था। इस वायरिंग को तो मैं सुधारूंगा, 100% सुधारूंगा। अब जो फ्यूज होता है वो आपके में सबसे फर्स्ट वाला, ये सबसे फर्स्ट वाला 30 एम्पियर का ये कंडेंसर फैन का फ्यूज है, और रिले इसके जस्ट पीछे लगी होती है। आपने फ्यूज को देख लिया, अगर आपके में कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है तो यहाँ से आप पहले ट्राई कर दें। मैंने ट्राई किया था, मेरा फ्यूज था, अभी मैंने लगा दिया है तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। अच्छी बात है, पानी वानी जाता है ना तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स इसीलिए कहा जाता है कि आप फिंस में ज़्यादा तेज से फोर्स में पानी ना डालें। इस पीछे मोटर रहता है साथ अंदर जाने की संभावना, वैसे ये बहुत ज़्यादा पैक रहता है, इतना जल्दी जाने की संभावना नहीं है, फिर भी आपको अच्छे ढंग से आपको साफ करना है। और अब वहीं पर BS6 की बात करें तो BS6 में दो फैन शायद नहीं है। आप देखिएगा, अगर आपके में है तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट के थ्रू, और नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को 100% लग रहा है कि उसमें नहीं है, क्योंकि वो उसका जो फैन का ब्लेड है वो बैटरी कंट्रोल्ड है। आपको जनरली मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, आपके पास अगर कार है या कार के आसपास आप चलेंगे ना, तो आप ध्यान दीजिएगा उनमें सिंगल फैन होता है। तो जब ये आपका एसी चालू हो जाता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको अलग से उसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो क्या होता है कि एक स्पीड पे जब गाड़ी रहती है और जैसे ही आपका एसी ऑन होता है, उसकी स्पीड या तो 1.5 गुना या तो 2 गुना हो जाती है, तो वो उसी से उन दोनों को कवर करता है एक फैन। और इसीलिए जब आपकी गाड़ी हीटेड रहती है, चूँकि वो बैटरी से कनेक्टेड रहता है, तो वो जब आप चाबी बंद भी कर देते हो ना, तो वो चलता रहता है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि आप एक बार कुछ देर बाद ही गाड़ी को ऑफ करें, 5 मिनट 10 मिनट के बाद। हमारी गाड़ी में नहीं है, हमारी गाड़ी में फैन बेल्ट के थ्रू मेन रेडिएटर वाला फैन जुड़ा है, तो वो चालू रहता है, और जैसे ही हम इंजन बंद कर देते हैं तो वो अपने आप बंद हो जाता है। वो जब स्टार्ट होगी गाड़ी तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जब बंद होगी तो वहाँ से बंद हो जाएगा।
BS6 वाले जरूर बताएंगे, पावर प्लस भी वाले बताएंगे। यार बुलेरो में बहुत ज्यादा वेरिएंट है, आदमी को याद ही नहीं रहता कि कौन से में कौन कौन सा है। तो आप जरूर देखिएगा और मेरे को बताइएगा। आपको देखना हो इसकी वायरिंग तो ये देखिए, ये वायरिंग गई हुई है। यहाँ पे मेरे में थोड़ा सा वही बाईपास कर दिया गया है जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसका कपलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये कपलर। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। रिले आपकी वहाँ पे रहती है, साथ में आपका फ्यूज भी होता है उसमें। तो अगर आपका ये फैन नहीं चलेगा, कभी कभी हमारी गाड़ी चलते वक्त तो कूलिंग करती है, लेकिन जब वो खड़ी हो जाती है या स्टैंड हो जाती है ना, तो फिर वो कूलिंग नहीं करती। अब वो जब कूलिंग नहीं करती है तो उसका मतलब आप समझ जाओ कि आपका रेडिएटर फैन का या तो फ्यूज उड़ा है, या तो फ्यूज ब्लो हो गया है, या फिर आपका रिले काम नहीं कर रही है, या फिर शायद वो खराब हो गया है। वैसे इस फैन के खराब होने के चांसेस बहुत कम होते, रेयर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, रेयर मैं ही। ऐसे ही बुलेरो और गाड़ी के नॉलेज से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने किया है तो दिल से धन्यवाद। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।